हेलो एवरीवन, स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वॉच ब्लॉग लाना है, वॉचेस दिखाओ, वॉचेस का कलेक्शन दिखाओ। तो दिस इज पार्ट वन ऑफ द एंटायर वॉच कलेक्शन। जैसे कि बात करी गई है, हम लोग प्रॉपर ऐसे चीजों देखते रहेंगे कौन सी वॉच है कौन सी नहीं है, कौन सी वॉच मुझे पसंद है इन सब में से और कौन सी नहीं, या फिर कौन सी लिमिटेड एडिशन है, वो सब चीजें। सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड वेल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इन सब में से आपकी फेवरेट वॉच कौन सी थी। एंड इफ यू वुड वांट यू नो एनी गाइडेंस ऑन द वॉच बाइंग या कुछ भी, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करते रहेंगे। सो मेरे सोशल सुनने को मिल जाएंगे। सो लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहली चीज, नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट वॉचेस, राइट, मुझे लगता है द फर्स्ट वॉच दैट अ पर्सन शुड ओन इज डेफिनेटली द एप्पल वॉच और द स्मार्ट वॉच, डिपेंडिंग ऑन आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। दिस इज अ सैमसंग स्मार्ट वॉच एंड दिस इज एन एप्पल वॉच। सो जो भी आपको सही लगे, राइट, उस हिसाब से आप लोग चला सकते हो अपनी वॉचेस को। सैमसंग का मेरे पास जब तक फोन था S22 अल्ट्राज या गैलेक्सी फोल्ड्स एंड ऑल, तो तब तक मैं ये वाली यूज करता था। अभी मैंने रखी हुई है, बट स्टिल जस्ट इन केस आई एम नॉट यू नो गोइंग फॉर दिस वॉचेस, आई विल ऑलवेज प्रेफर द एप्पल स्मार्ट वॉच, और यही मैं पहन करके रखता होता हूँ। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई बिलीव हर किसी के कलेक्शन में होनी चाहिए, राइट, उस हिसाब से ये वॉच चलनी चाहिए। बंद नहीं हूँ, मुझसे बंद नहीं, रुक जाओ। हाँ, नाउ द सेकंड सेट ऑफ वॉच व्हिच आई बिलीव इज अ वेरी वेरी गुड वन, जो कि तुम लोगों को पता होगा, जिसका एक पार्ट मैंने गॉब्लिन को दिया था, व्हिच इज द वर्साचे वॉच। एक मैंने गॉब्लिन को गिफ्ट करी थी, तुम लोगों को याद होगा जितने लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे हैं। सो दिस इज माय वर्साचे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉच इज ये प्रॉपर सैफायर क्रिस्टल ग्लास की है, तो इस पे स्क्रैच रेजिस्टेंस एंड वो कुछ किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता होता है। एंड इट्स कॉल्ड द VEVK वर्साचे VEVK सैफायर क्रिस्टल वॉच, एंड दिस जस्ट लुक्स प्रीटी गुड। इनके साथ साथ हम लोग थोड़ी कॉस्टिंग भी करते रहेंगे, अगर मैं कर पाया सारी एड ऑन करूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, देख लेंगे। दिस वन वॉज 41,000 जो कि ये वॉच आती है। दिस एप्पल वॉच वॉज 45,000, दिस वॉच इज 85,000। सो अगर कोई ओवरऑल एड कर सके तो मुझे बताना जरूर कितने की पड़ती है, बट अगेन दिस जस्ट पार्ट वन, सो जस्ट नो कीप ऑन चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग इन द नंबर्स एंड द प्राइस, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो यार ये बन जाती है 85,000 की थी जो कि मुझे पड़ी थी, और जो गॉब्लिन वाली थी दैट वाज 76,000 जो गॉब्लिन वाली वॉच थी। नाउ दिस वॉच इज वन ऑफ द वॉचेस व्हिच इज प्राइसलेस आई विल से, क्योंकि ये मेरे नाना जी की वॉच है एंड ही जस्ट पास्ड अवे इस दिवाली के अराउंड ही, बट आई हैड दिस वॉच सिंस अ लॉन्ग टाइम, सो आई जस्ट नो ब्रॉट इट विद माय सेल्फ। सो ये काफी पुरानी टाइटन की वॉच है एंड दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव, जस्ट लाइक आई सेड, दिस इज अ प्राइसलेस वॉच एंड आई हैव वॉन दिस वन। इसके मैंने लिंक्स अपने हिसाब से निकलवा लिए थे, इसका डायल थोड़ा बड़ा है, बट आई लव दिस। नाउ अगर आप में से किसी को नहीं पता फ्रैंक मुलर किस टाइप का, लाइक कौन सा ब्रांड है, सो फ्रैंक मुलर के जैसी मिलती जुलती एक वॉच की वो डिजाइनिंग आती है, व्हिच कम्स डाउन इन दिस अर्नशॉ। ये मुझे काफी ज्यादा सही लगती है पहनने में। दिस इज एन अर्नशॉ'स इलोंगेटेड वॉच, जो भी आप इसको बोलना चाहो, आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, टाटा क्लिक वगैरह पे मिल जाएंगी। थोड़ी सी हैवी वॉच होती है ये, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अर्नशॉ इज कि यू नो इसकी गारंटीज एंड वो सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। प्लस इट्स नॉट जस्ट वन जो कि मेरे पास है, देयर आर टू अर्नशॉ'स दैट आई ओन। ये बन जाती है, अगर इसको मैं हल्का सा वो करूँ ना, इनकी इसकी मशीनरी आप देखो ये घूमने लग जाती है नीचे, हल्की सी मशीनरी सी होती है, दैट जस्ट यू नो स्टार्ट्स ऑन मूविंग एंड वो मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखती है इसकी। दिस वाज 21,000, दिस वाज 25,000 वॉचेस, क्वाइट चीप, राइट। तो अभी उतना ही बजट था जब मैं ये लेने गया था, सो ये वाली वॉचेस है। व्हेन इट कम्स डाउन टू यू नो वॉचेस के ब्रांड्स एंड ऑल, देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स जो कि लग्जरी या फिर वॉचेस पर नहीं जाते, बट स्टाइल आइकन एंड फैशन डिजाइन पर जाते हैं। उसमें आती है टॉमी हिलफिगर्स। मेरे पास 3-4 टॉमीज हैं, इन डब्बों में उतनी नहीं है, तो लेकिन उसमें आती है टॉमी हिलफिगर। दिस वन टॉमी हिलफिगर जो कि मैंने एयरपोर्ट से ली थी, बेरली लाइक नॉट अ लॉट ऑफ प्राइस, 14,000 ओनली टॉमी हिलफिगर की, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़िया बिकॉज के क्रोनोग्राफ्स अच्छे हैं। इफ आई एम गोइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ब्राउन शू, ग्रीन स्वेटर या ग्रीन फॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ थिंगी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चल सकती है दिस वन टॉमी हिलफिगर। एंड आई बिलीव आई लव दिस वॉच एज वेल। बहुत टाइम हो गया ऑल्दो मैंने पहनी है ये। जिन लोगों को पता होगा कि मैं अभी खो-खो कर रहा था, सो खो-खो के टाइम पर आई बॉट दिस वॉच वहां से, पुणे से। दिस इज अ नॉर्मल रेगुलर टाइटन वॉच। अगेन टाइटन का मेरे पास मैरीटाइम कलेक्शन पूरा है, टाइटन का मेरे पास एज कलेक्शन पूरा है, टाइटन का ऑक्टेन कलेक्शन मेरे पास पूरा है, बट दिस इज वन ऑफ द टाइटन वॉचेस एज वेल। ये मैं अपने पास तो नहीं रखने वाला था, जब मैंने कर रहा था तो मैं सोचा था अंश को दूंगा, बट अंश के हाथ के लिए बड़ी आई, मेरे हाथ पे बड़ी आती है, बट स्टिल आई स्टिल लव टू वेयर दिस वॉच। सो दिस इज वन ऑफ द टाइटन वॉचेस एज वेल, अगेन कॉस्टिंग अराउंड 14,000 to 15,000 के अराउंड ये वॉच कॉस्ट करती है, व्हिच अगेन इज अ प्रीटी डीसेंट प्राइस। सो या इफ समवन वांट्स टू बाय अ वेरी
मिनिमल बट अ वेरी गुड वॉच ये वॉच है, मैंने परसों ही ली है। दिस इज अ केसियो का वॉच, बहुत मिनिमल है, बहुत अच्छी है, किसी के भी हाथ पे चलेगी। प्लस द बेस्ट पार्ट इज दिस इज जस्ट अ 3000 रुपीज वॉच। सो 3000 के लिए एक बहुत प्यारी वॉच ये बन करके दिखती है मुझे मेरे ख्याल से। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ केसियो और इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन द वॉचेस, ना केसियो इज द फर्स्ट ब्रांड जिसके ऊपर की आप ट्रस्ट कर सकते हो। आई विल से गो फॉर दिस वॉच डेफिनेटली, यू गाइस आर गोना लव इट। जस्ट 3000 रुपीज, नथिंग मोर। सो या डेफिनेटली केसियोस की बात कर रहे हैं, तो केसियो में देर आर विंटेज वॉचेस। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत पहले ना कैलकुलेटर वॉच आती थी केसियो की, वो सब वॉचेस। मेरे पास कैलकुलेटर वॉच है बट वो मेरे पास यहाँ नहीं, घर पे पड़ी हुई है। बट स्टिल विंटेज कलेक्शन में मेरे पास दो केसियोस हैं, इफ आई जस्ट यू नो टॉक अबाउट इट। एक ये सिल्वर में और एक ये गोल्ड में। ये दोनों वॉचेस इसलिए ज्यादा अच्छी बन जाती हैं बिकॉज यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग थिंगी, एंड अगर पहन लाइक वॉच पहनने का मन है लेकिन वॉच को फ्लॉन्ट नहीं करना है, राइट? इफ यू वांट गो सम सॉर्ट ऑफ एन ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ थिंगी और समथिंग, तो ये गोल्ड वॉच और ये सिल्वर वॉच दोनों बहुत अच्छी रहती हैं केसियो की विंटेजेस में, एंड आई बिलीव बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से चल जाती है। सो दीस आर द वॉचेस, 4000 ओनली, सो उतना कोई खास डिफरेंस भी नहीं आता है। बट जब मैंने वॉचेस यू नो लेना स्टार्ट किया था, देयर वाज दिस वन वॉच व्हिच आई हैड ऑलवेज वांटेड कि मैं रखूं अपने पास, एंड दैट वाज आल्सो फ्रॉम केसियो अगेन, दैट इज अ जी शॉक। अगर किसी को नहीं पता, जी शॉक तो एक ऐसा वॉच का वो बन जाता है जो यू नो हर किसी को रखना चाहिए। जी शॉक्स आर ड्यूरेबल, जी शॉक वाटर प्रूफ रहती है। मैं गोवा गया था, गोवा में मैं ये जी शॉक पहन के पानी में कूदा, कुछ भी किया, एंड इस घड़ी को कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज अ जी शॉक व्हिच आई बिलीव इज वेरी गुड। व्हाइट कलर इज कैची एज वेल, अगेन 6000 रुपीज ओनली, उतना ज्यादा कुछ हेफ्टी भी नहीं है प्राइस, सो काफी ज्यादा अच्छी चल जाती है। प्लस द बेस्ट पार्ट इज ऑब्वियसली यू नो द लाइट फंक्शनैलिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स जो कि सारी छोटी मोटी रहती हैं, वो सब काफी अच्छे तरीके से आती हैं। काफी कम लाइट दिख रही है बिकॉज बाहर की लाइट बहुत है, बट स्टिल अ वेरी वेरी गुड, वेरी ट्रस्टवर्दी वॉच। बट If you are going for a Casio, a G-Shock, right? उसमें भी limited editions लेने चाहिए। So this is a Casio's G-Shock's limited edition and all metal Casio, a very good Casio. Plus मुझे ये जो watch है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है on a day to day because the color stands out. अगर आप normally ये watch पहन रहे हो, दूर से देखोगे ना बहुत ज़्यादा, तो एक AP का design लगता है, Audemars Piguet का design लगता है आपको इसका। So उस हिसाब से this is a very good watch to wear, very fine watch to wear, and I believe this is something that a person can wear all day. Plus metal है तो बहुत ठंड सा भी फील देता है एंड उतना ज्यादा कुछ खराब भी नहीं होता है। ऊपर से शॉक रेजिस्टेंस जो केसियो का रहता है, आप इसको गियर दो, पटक दो, कुछ भी कर दो, लाइक इट वोंट, लाइक नथिंग विल हैपन टू दिस वॉच, राइट? सो उस हिसाब से चलती है केसियो, एंड दिस वाज व्हाट अ 15000 वॉच, बट प्रीटी गुड एंड प्रीटी ड्यूरेबल, जैसे कि मैंने अभी गिरा करके दिखाया। सो प्रीटी ड्यूरेबल एंड कुछ होता नहीं इसको। सो या नाउ we slowly and steadily move on to a few of my favorite brands, in the sense मैं बात करता हूँ limited edition watches का, मेरे को काफी ज्यादा शौक्स है। तो उस limited edition में there is this one watch जो कि मैंने सबसे पहले BGMI LAN पर पहनी थी, जो कि Nordwin Loco का LAN था, All Stars. This is a Frederic Constant watch. The best part about this watch is, ये घड़ी मैंने सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि इसके साथ एक गाड़ी मिलती है, छोटी सी, इतनी बड़ी एक गाड़ी मिलती है, which is a limited edition Healy car. And this Frederic Constant is only 2000 in the world. और मेरे पास जो नंबर है, that is 1432nd. And this one is 1,10,000 something. 1,10,000 or 1,20,000 something. And इसकी बनावट एंड इसको पहनना जस्ट यू नो मेक्स यू फील लाइक द वॉच इज एक्चुअली हगिंग यू, राइट? उस हिसाब से लगता है, इट्स हगिंग योर हैंड, एंड दिस डेफिनेटली फील्स लाइक अ वेरी वेरी लिमिटेड सोवेनियर, लिमिटेड पीस। सो ये उस स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने पहनी थी और उसके बाद आज तक मैंने पहनी नहीं है बिकॉज इसको वैसे ही रखा हुआ है, बट उसके बाद मेरे ख्याल से yes, अब चलना शुरू हुई है फाइनली। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड वॉच इफ समवन इज नो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कलेक्टर्स आइटम। टॉकिंग अबाउट कलेक्टर्स आइटम, राइट, टिसो में एक PRX कलेक्शन आता है। PRX कलेक्शन को भी दूर से देखोगे तो Audemars Piguet की थोड़ी सी डिजाइनिंग लगती है बिकॉज यू नो थोड़ा सा इसका बेस ऐसे ऑक्टागनिश लगता है, बट दिस PRX इज अगेन अ स्पेशली कस्टमाइज्ड गोल्डन PRX। ऐसे मिल जाती हैं, ये काफी मिल जाती हैं, बट ये कम मिलता है, बाकी कलर्स बहुत मिलते हैं, सिल्वर एंड ब्लू एंड ऑल, वो बाकी कलर्स बहुत मिलते हैं। दिस वन वॉज अभी कुछ दिनों पहले मैंने ली थी, आई गेस 36,000 और 45,000, दो वॉचेस ली थी मैंने, उनमें से एक 36,000 की थी और एक 45,000 की थी, तो ये उन दोनों में से कोई एक अमाउंट की है, आई जस्ट डोंट रिमेंबर दिस वन, बट PRX edition is something very good. Plus this watch comes up as a blingy watch, not exactly a bling but golden color, so काफी अच्छा stand out करता है। So yeah, this is a very good watch. The only downside of this watch is कि ये quartz है, automatic नहीं है। अगर ये automatic होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। I know, I have a thing for automatic watches. So yeah, now we would be moving forward with another next set of watches, which is Armani's, Armani Exchange की. Emporio Armani मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा बड़ा लगता है. So Armani Exchange की कुछ watches पर जाएंगे. Now this is a very cheap watch, only a 9000 rupees watch.
आती है ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। दी ओनली बेस्ट पार्ट इसकी थोड़ा सा डुअल टोन में देखने को मिलती है, जो इसका टोनिंग है वो थोड़ा सा डुअल टोन इश देखने को मिलता है अलग सा। दैट्स व्हाई इट जस्ट यू नो कम्स अप एज अ वेरी वेरी गुड वॉच, कुछ अलग सा है घड़ियों में। अदरवाइज ये भी बहुत बेसिक सी एक नॉर्मल क्वार्ट्ज वॉच बन जाती है, सो नथिंग स्पेशल इन दिस वन। बट नाउ इफ यू आर मूविंग विद अरमानीज ओनली, अगेन ऑडिमा पिगे की एक कॉपी लगेगी ये देखने में, बट ये जो अरमानी है ये भी काफी ज्यादा अच्छी सी है अरमानी एक्सचेंज। दिस इज एन ऑल ब्लैक, आई लव दिस काइंड ऑफ वॉचेस जो ऐसे यू नो ऑल ब्लैक सी वाइब देती है, बिकॉज ये ब्लैक सूट्स के साथ चल जाएंगे, किसी ब्लू सूट के साथ चल जाएंगे, लाइक अलग तरीके से चल सकती है। यू कैन जस्ट यू नो वेयर इट आउट फुल ऑन हेक्सागोनल शेप में, इसके सारी चीजें देखने को मिलती है। एंड दिस वन वाज अ 12,000 रुपीज वॉच, सो दिस लुक्स एंड फील्स लाइक अ वेरी वेरी गुड वॉच। प्लस आई बिलीव ये मैंने तब ली थी जब आई वॉज स्टार्टिंग टू गो अराउंड ऑन द गेमर्स डेन वाला थिंग, जो कि MX प्लेयर पर मेरा OTT आया था, सो उस टाइम के अराउंड मैंने ली थी। सो अगेन watches should hold some sort of a significance for your life, so that's one of the things I love. How you know pilots work around, like pilots ka jo scenario rehta hai ki they are at high altitudes and altitude ki cheeze alag hoti hain, so there are two watches of a brand called Aviate, aviation ke upar aata hai, and these watches are very very good, plus ye pilot wali vibe deti hain bahut zyada, so if you just know look forward to it, again an all black Aviate and a greenish, ये तुम्हें एक पायलट के उसका ही वो दिखाएगा जैसा पायलट का कॉकपिट के अंदर जैसे गॉजेस होते हैं एंड ऑल। सो ये दो Aviate की वॉचेस हैं, 21,000-24,000, ये बहुत न्यू आई थी। प्लस इसका ग्लो इन द डार्क इज वेरी ब्राइट, जिस तरीके से उन्हें देखने को मिलता है, बिकॉज ये है ही उस अलग से ग्रीन से कलर की, येलोइश ग्रीन से कलर की, और वो पूरा ग्लो करता है। सो या इट हैज ऑल्टीट्यूड मीटर्स, इट हैज डे डेट, वो सब चीजें होती हैं इनमें, बट उसके साथ साथ ऐसे आर हैंड्स अलग से हैं। मैं चाहूँ तो मैं ऊपर वाला पूरा घड़ी को रोक करके पीछे भी घड़ी एक छोटी सी वो चला सकता हूँ। सो Aviate की वॉचेज आर वेरी गुड, वेरी क्लासी, एंड दे लुक प्रीटी इनक्रेडिबल, जस्ट लाइक पायलट गेजेस एंड ऑल। सो दीज आर द वॉचेज। When I started going for watches, right, there was this one brand which I always looked forward to, Fossil. Fossil के automatics मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, skeletal. So ये एक watch है जो कि मैंने, which was one of my first watches, जब मैंने overall watches में casting के बाद start किया था खरीदना, उठाना, collect करना कुछ भी. So this is one of the starting first watches that I had, and मैं इसको अभी भी कभी-कभी पहनता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे. इसी के साथ साथ ये भी watch आती है. This is like a multicolored white, blue, and brown strap. Again another automatic. This one was what 9,000 something. This one was also 9,000 something, 9,000 to 10,000 something, ऐसा कुछ. So ये सारी watches, like ये भी skeletal watches जाती हैं, I guess ये मैंने मावी के पास भी देखी है, मावी के हाथ में देखा है इसका दूसरा कलर. So ये दोनों watches बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. उतनी functionality नहीं है, but basic if you want to just you know check out time and all, so इसकी इन दोनों की functionality उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है. So that's one of the things. Now there was a day I was at the airport. मैं बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गया था, and मेरी flight actually delay हो गई थी. So what I decided is कि जाके कुछ घड़ियाँ देखते हैं और घड़ियाँ खरीदते हैं. I am talking about was it? I guess Hyderabad airport or something. And वहाँ पर मुझे guess में एक watch मिली, which was more or less like a Richard Mille, but a guess Richard Mille आप बोल सकते हो. Like इसका जो बनावट है, shape है, वो Richard Mille जैसी है. How I'll tell you? ये दोनों मैंने वहाँ से उठाई थी. ये dedicatedly या दूर से कोई देखेगा ऐसी बोलेगा कि ये Richard Mille की कोई तो copy है, RM1103 की कोई तो scenario है. And ये legit वही देखने को लगती है पूरी. So yeah, these are the watches that I got from there. 13,000 each. Again ये लगती है ऐसे कि ऑटोमेटिक होगी, लेकिन ये क्वार्ट्ज है, पीछे सिर्फ बनावट स्केलेटल हो रखी है, बट दीज आर वेरी गुड ऑन द हैंड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल वॉचेस आई हैव एवर हैड ऑन माय हैंड, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट यू नो लुक्स रियली गुड. पीछे जो कैमरामैन है वो अपनी केसीओ देख रहे हैं, जी शॉक है उनके पास भी एक बढ़िया सी. दैट इज वन प्रीटी कूल वॉच. बट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम एक्सट्रीमली सीरियस एंड अगेन कलेक्टर्स आइटम टाइप वॉचेस. इसको मैं साइड में रख देता हूं. सीको की मैंने बात करी. सीको इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स व्हेन इट कम्स डाउन टू यू नो having these watches and stuff and whatnot. So this is a 58,000 rupees watch, full on black. I say ye black matte lagta, black titanium type black matte lagta, and this is a solar powered watch, a very good watch on the hand, kyunki ye 36mm ka dial ek nikal kar ke aa raha hai. That's all, and this is only 2000 in the world, and this is what I'll tell you, 1421 number out of 2000 in the world. So this just you know looks very good in the hand as well, and iska ek bahut alag class nikal kar ke aata hai if someone's wearing it. Again all black just goes with anything. All black is always the classiest color that I believe the sexiest color a man can own, so us hisab se. And yeah, this is one of my watches when it comes down.
on to having a good Seiko's and whatnot. So yeah. Now I'm talking about collectors and Seiko's and all these things. Isme aati hain aur meri limited edition Seiko's, the ones that I'm just talking about. And so iske andar se baat karte hain. Platinum, this is 10,000 in the world and this is 6,000 something. Usme aati hai. Ye dur se mujhe, maine thug se bhi baat kari thi, to ye na mujhe dur se Rolex Daytona ki yaad dilati hai, jaise Daytona Rolex ka wo hota hai, uski yaad dilati hai ki black color ke aapke chronographs hain and white color ka dial hota hai. Isme thoda sa platinum color ka dial hai, Daytona platinum bhi aati hai. So it's one of those watches and this is a very very good watch when it comes down to, you know, haath mein pehante hue aapko isko, iska weight feel hota hai, cause being slightly platinum ish aapko weight feel hota hai. But again a 36mm dial, which is always a very very good dial to just, you know, wear around, to have it for yourself. And I love the way this dial just, you know, wraps itself around. So that's a very very good watch. This one was around 58,000 as well. Again, jaise bola ki, you know, collector's item, collector's bhi nahi but limited edition piece. So ye wo hai, kafi zyada acha sa. After this we move on to Couturiers. Perpetual Couturiers, इसके अंदर 12 diamonds लगे हुए हैं and उन diamonds का certification मिलता है. This was a 60 or 70,000 watch. ये अगर 60 है तो ये 70 है, दूसरे वाली मैं दिखाऊंगा, अगर ये 70 है तो वो 60 है, ऐसा कुछ था. तो ये है Couturiers Perpetual, Perpetual Motion Calendar. इसको मैं सालों तक ऐसे रख सकता हूँ, बंद हो जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन जब उठा करके वापस हल्का सा शेक करूंगा तो खुद से टाइम पूरा एडजस्ट करेगा ये और खुद से वापस से चलना शुरू हो जाती है. सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट दिस वॉच. इसमें अलार्म भी लगता, इसमें मंथ्स आते हैं, इसमें बहुत सारे क्रोनोग्राफ्स हैं, डे डेट वो सब तो बेसिक हो जाता है, मंथ कौन सा चल रहा है उस मंथ पे, उस ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर पे लीप ईयर कितने दूर है, कौन सा ईयर लीप ईयर बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑन अ नॉर्मल एनालॉग वॉच यू गेटिंग सो मेनी थिंग्स प्लस द अलार्म एज वेल. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. इसको अगर मैं क्लोजली दिखा पाऊंगा तो यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि हाउ एम आई जस्ट, यू नो, टॉकिंग अबाउट इट. किस दिन मेरी स्टोरीज या किसी उस पर तुम लोग दिख जाएगा अदरवाइज. अगेन इसी के साथ साथ दिस इज अ प्रीमियर काइनेटिक परपेचुअल. परपेचुअल मोशन कैलेंडर्स वही होते हैं, इसमें डे डेट टाइम और ये सब चीजें खुद से एडजस्टमेंट हो जाती है. जैसे मैंने बोला कि वो 60 के तो ये 70 की होगी, ये 60 के तो वो 70 की होगी, उस हिसाब से उसका तो डायमंड सर्टिफिकेशंस भी मिले हैं. दिस इज अ वॉच जो मैंने आज तक पहनी नहीं है कभी भी, बट आई वुड लव टू वेयर इट ऑन अ वेरी स्पेशल ओकेजन या कुछ ऐसा सा. एंड इसमें भी नीचे यहाँ पे लीप ईयर्स वगैरह की चीजें हैं कि कौन कितने लीप ईयर्स हो चुके हैं, कितने लीप ईयर्स आएंगे, डे डेट सब चीजें इस एक वॉच में देखने को मिलती हैं विद द अलार्म कैपेबिलिटीज एंड व्हाट नॉट. प्लस ऊपर आई लव इट कि ऊपर जो डे है वो जो डेट है वो कैसे आती है, 31 है तो 31 करके लिखा था, वो सब चीजें. Seiko makes very fine watches and this is just an example of it. Now my first ever Seiko that there was, जिसने मुझे Seiko's में डाला, वो ये वाली वॉच है. दिस इज अ नॉर्मल Seiko 5 स्पोर्ट्स वॉच, डाइवर्स वॉच. इसको लाइक इसमें ऐसे यू कैन जस्ट सॉर्ट आउट द टाइमर, लाइक जो डाइवर्स होते हैं दे जस्ट, यू नो, लाइक टू गो फॉर दीज टाइमर्स एंड ऑल, एंड वो टाइमर फिर चल चल के उनको बताता होता है कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं हो गया. सो वो टाइमर वॉच बन जाती है ये. अ वेरी गुड वॉच इन दी हैंड, अ वेरी गुड वॉच टू वेयर. दूर से रोलेक्स की कॉपी लगती है Seiko 5, बट इसमें भी एक लिमिटेड एडिशन है जो कि मैं बताता हूँ. बिकॉज इसमें अगर आप देखो ना, एक बहुत बेसिक सा ग्रीन कलर है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. बट इसका एक लिमिटेड एडिशन है विच इज दिस वन Seiko जो मैंने कल ही ली है पिछले. द डिफरेंस इन दिस एंड दिस इज, इसमें सब ट्रांसलूसेंट है, अंदर का वर्किंग इज वेरी ट्रांसलूसेंट, बहुत आराम से देखने को मिलता है जो इंटरनल वर्किंग है. सो उस हिसाब से आई जस्ट लव द वे दिस वॉच इज मेड एंड डन. ये कल ही ली थी तो कल से अभी तक ऐसा पहनी तो नहीं है, बट इंटरनल वर्किंग्स आर वेरी ट्रांसलूसेंट विच जस्ट, यू नो, लुक्स वेरी गुड. ये आई डोंट नो कि कितने नंबर्स या कुछ है इसका वो नहीं है, बट दिस इज अ लाइक स्पेशल एडिशन इन द सेंस कि लाइक लिमिटेड एडिशन अलग होता है, दिस इज स्पेशल एडिशन वॉच. अगेन दिस वन वाज 32,000, दिस इज 25,000 ओनली. सो अगेन अ प्रीटी डिसेंट अमाउंट वॉच, काफी ज्यादा आराम से मिल जाती है. बढ़िया थी लेकिन अब आराम से नहीं मिलेगी बिकॉज इनके अमाउंट्स एंड प्राइसेस एंड वो सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है. बट आई विल टेल यू, सो I always wanted to buy this one watch, but obviously अभी मेरी उतनी औकात नहीं है. तो मैं क्या किया, एक मैंने बहुत अलग सी हरकत करी थी. You guys have heard of a Richard Mille, right? I always wanted to buy a Richard Mille, but obviously I know I cannot afford a 5 crore watch right now. So I asked someone to get me a Richard Mille की copy, and this copy costs what 10,000 rupees. But this is a Richard Mille RM1103 automatic with sapphire crystal glass. Sapphire crystal 10,000 में नहीं मिलता, but this is an authentic sapphire glass. मुझे उसका ऑथेंटिफिकेशन मिला एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप दिस वॉच फॉर माई सेल्फ. ऐसे बाहर तो आई डोंट थिंक सो कि मैं पहनूंगा, कभी पहन लूंगा तो अलग बात है, बट दिस एग्जैक्टली लुक्स लाइक एन RM1103. प्लस द बेस्ट पार्ट इज इसका जो खोलने का एंड ये तरीका भी है, जो बटरफ्लाई स्ट्रैप्स होते हैं ये सारे Richard Mille वाले हैं. एवरीथिंग इज लाइक Richard Mille, बट ऑब्वियसली नॉट द Richard Mille थिंगी दैट देयर इज.
So yeah, this watch looks very heavy on the hand, but the designings and the specification and the craftsmanship is extremely brilliant when we talk about, you know, having a 5 crore watch. But kisi ko kya baat, tum logo ko pata hai ki 10,000 ki ghadi hai ye. But it just looks good. Sometimes you wanna feel rich. You're not rich, but you wanna feel rich. So you go for these things. And maybe someday I'll buy an actual Richard Mille, but abhi usme bahut zyada time hai. So we'll talk about it. But yeah, this was my part one of the entire collection, jo ki mujhe tum logo ko dikhana tha, kyunki tum mein se bahut sare log bolte the ki no, hame aapki watch collection dekhni hai, watch collection dekhni hai. This is just part one of it. Next part mein we'll bring the Rolex Datejust, Rolex Day-Date and all those watches as well. वो सब चीजें लेकर के अगले पार्ट में आएंगे. Make sure करना कि आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो. 200 के सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं. And also tell me your favorite part from all these watches. कौन सा वाले आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, etc. etc. मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए stay safe, stay awesome and episode guys. Have a really amazing day. Take care. Bye bye.